वेलकम टू ओपी केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था क्या, कन्वर्जेंस किए थे टू स्टेप्स के साथ जितने भी दिए हुए थे। अब उसके आगे हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का, उसमें क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइड क्लोराइड। ओके, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइड क्लोराइड। इसको आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से देखना आप। चलो, तो इसके लिए क्या करता है, मैंने देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं जो हमारे कंपाउंड दिए गए। एक आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन है, दूसरा साइक्लोहेक्साइड क्लोराइड है। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है हाइब्रिडाइजेशन वाला टर्म, वही इंपॉर्टेंट है, वही डिफाइन करता है हमारा क्या कि क्यों होगा डाइपोल मोमेंट इसका लेस और इसका मोर। देखो क्या है कि जैसे जैसे हमने पढ़ा है कि sp2, sp3 और sp, इन सब में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, sp का, देन sp2 का, देन sp3 का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें देखो s का कैरेक्टर कितना है, अगर टोटल 100 मानेंगे तो सिर्फ s का कितना हो जाएगा 50%, क्योंकि 100 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ 100 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे 33%, और यहाँ हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4 25%। ओके, तो ऐसा हो गया आपका। तो सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर जिसके पास सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ sp2 है, मतलब 33% s है इसके पास, और ये sp3 है, मतलब 25% s है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों क्या है कि जो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम आ जाएगा। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था पिछले वीडियोज में आपको कि क्यू इंटू डी होता है। तो क्यू क्या होता है, चार्ज, और डी तो डिस्टेंस है हमारा। तो जब चार्ज ही कम हो जाएगा, मतलब पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का जो चार्ज डिफरेंस है वो कम हो गया आपका। तो जब चार्ज ही कम हो जाएगा तो हमारा डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, तो इसीलिए क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो लेस होता है इन कंपेरिजन टू साइक्लोहेक्साइड क्लोराइड ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन टू विच क्लोरीन इज अटैच। जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने की वजह से क्या होता है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो कम हो जाता है। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अल्काइल हैलाइड थ्रू पोलर आर इमिसिबल इन कार्बन वाटर। ठीक है, अल्काइल हैलाइड पोलर होते हुए भी वाटर में इमिसिबल है। इमिसिबल करने का मतलब है कि बहुत कम ही डिजोल्व होता है, जबकि पोलर होने के लिए जब भी जो कंपाउंड पोलर होता है वो कम्प्लीटली डिजोल्व होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो देखते हैं। अगर हम अल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर को देखें, जैसे इसका देखेंगे हम CH3CH2Cl, तो यहाँ क्या होता है, डेल्टा माइनस आता है और ये डेल्टा प्लस आता है। और वाटर क्या होता है हमारा, पोलर होता है लाइक दिस। यहाँ होता है क्या, डेल्टा प्लस और ये होता है डेल्टा माइनस। तो डेल्टा माइनस और प्लस में इंटरेक्शन होता है, जब प्लस और माइनस में इंटरेक्शन हो जाता है तो बोलते हैं कि वो कंपाउंड डिजोल्व हो गया उसमें। बट यहाँ क्या है कि ये जो हमारा कंपाउंड है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, तो कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। ध्यान से सुनो, कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। तो अभी बोलोगे सर इमिसिबल में, अभी आपने बोला कि थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाएगा, तो वो क्यों होता है, वो होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या करता है, क्लोरीन जो है इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, थोड़ा बहुत इंट्रैक्शन कर लेता है, या ऐसा भी बोल लो कि जो थोड़ी बहुत पोलैरिटी जनरेट हुई है उसके वजह से ये मिसिबल है। ओके, पूरी तरह से डिजोल्व नहीं हो पा रहा है, स्पैरिंगली सोल्युबल बोल सकते हैं इसको। ओके, चलो नेक्स्ट हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो हमारा क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, हम जब भी इसको बनाते हैं किससे बनाते हैं, जैसे RX+Mg लिखते हैं ना, और इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, ड्राई इथर। ये कंडीशन हमारा नेसेसरी होता है कि इसके प्रिपरेशन में या रिएक्शंस में ड्राई इथर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अगर हम अनहाइड्रस इसको बोलते हैं, मतलब मॉइस्चर का अमाउंट नहीं, मॉइस्चर मतलब वाटर नहीं है, अगर इसको मेटल को वाटर मिल जाएगा, मेटल को कभी भी वाटर मिलता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो अगर इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको ड्राई इथर में रिएक्शन करवाते हैं, और ड्राई इथर मतलब अनहाइड्रस कंडीशन बोलते हैं उसको। एक्वस मतलब मॉइस्चर का अमाउंट जरा भी नहीं होना चाहिए, अगर जरा भी मॉइस्चर मिलेगा तो क्या कर लेगा, हाइड्रोक्साइड बना लेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अनहाइड्रस कंडीशन यूज करते हैं। ओके, चलो। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोलता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बहुत सारे दिए गए रिएक्शन अप्रॉक्स 8-9 है, उनके आपको प्रोडक्ट लिखने हैं। तो बहुत सिंपल है इसको, आप मैंने जब यूनिट सॉल्व करवाया था तब भी आपको बताया है और अभी भी बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या होता है ये देखो, ये क्लोरीन है और यहाँ से आयोडीन आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये CH3CH2CH2I बन जाएगा। ठीक है, आयोडो प्रोपेन बन जाएगा, 1-hydroprotein बन जाएगा, और ये हमारा कौन सा रिएक्शन, अभी ऊपर में बताया था फिंकलस्टीन रिएक्शन है। अब आपको यह क्या रखना है कि उसके साथ NaI यूज़ करते हैं और एसीटोन हमारा यहाँ सॉल्वेंट है।
ओके देन हमारा देख लो फिर से ये क्या कंपाउंड हमारा इथेनॉल लिया है, मतलब अल्कोहलिक के ओ एच है, और अल्कोहलिक के ओ एच क्या करता है आपका, अल्कोहलिक के ओ एच बनाता है अल्कीन। अल्कीन कैसे बनाएगा, अगर मैं स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके लिखूँ तो यह जाएगा सी एच थ्री, ये सी एच थ्री और इधर सी एच थ्री और यहाँ क्या है आपका बी आर। ओके ऐसा कंपाउंड है ये। अब ये क्या करेगा जो ओ या ये है हमारा बीटा पोजिशन से एच निकालेगा, इस एच को लेगा, ये क्या करेगा यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ब्रोमीन को यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा सी एच थ्री, इधर सी एच थ्री, यहाँ क्या हुआ डबल बॉन्ड आया है, डबल बॉन्ड सी एच टू, टू होगा एंड हाँ, फिर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा एच बी आर, तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा टू मिथाइल प्रोपीन मिलेगा। ओके चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देख लो एन ए ओ एच है वाटर में, जब वाटर में एन ए ओ एच है एक्वस ए ओ एच है, ये एक्वस के ओ एच, एक्वस के ओ एच अल्कोहल बनाता है, इथन मतलब अल्कोहलिक के ओ एच, इथेनॉल क्या हमारा अल्कोहल है, तो अल्कोहलिक के ओ एच क्या बनाता है हमारा अल्कीन बनाता है, एक्वस के ओ एच बनाता है अल्कोहल। आपको याद रखना है अल्कोहलिक हमेशा लिखा हुआ नहीं रहेगा लेकिन इथेनॉल लिखा हुआ रहेगा, मिथेनॉल लिखा हुआ, तो ये सारे क्या है अल्कोहल्स है ना, तो बेसिकली क्या है ये जो कंपाउंड होता है इसमें डिजॉल्व होता है, अगर के ओ एच इसमें डिजॉल्व है तो अल्किन बनाएगा, और के एन ए ओ एच या के ओ एच वाटर में डिजॉल्व है तो अल्कोहल बनाएगा, तो जहाँ बी आर है वहाँ ओ एच आ जाएगा। तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे सी एच थ्री, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा एंड देन सी एच टू सी एच थ्री। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। हाँ नेक्स्ट देखो ये फिर से बोल रहा है अल्कोहलिक के सी एन, तो हमें पता है कि जब अल्कोहलिक के सी एन है तो सी एन पे माइनस होता है, ये क्या करता है बैक साइड से अटैक करता है, ये बाहर निकाल देता है, और ये रिएक्शन कौन सा होता है एसएन टू रिएक्शन होता है, ठीक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन अल्किन में देखा था हमने, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा सी एच थ्री सी एच टू एंड देन सी एन प्रोपेन नाइट्राइल मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल एंड तीन कार्बन का है, इस कार्बन को हम काउंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है बहुत बार कंफ्यूजन होता है हम इसको छोड़ देते हैं और ऐसे लिख देते हैं इथाइल नाइट्राइल, लेकिन ऐसा नहीं है, इस कार्बन को हम कंपाउंड इस कार्बन को काउंट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन में, तो आपका क्या हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल या वन प्रोपेन नाइट्राइल भी लिख सकते हो आप। ओके नेक्स्ट हमारा है फिर से देख लो, ये बताया था आपको विलियम सिंथेसिस जो कि ईथर का प्रिपरेशन था, ये माइनस है और ये प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है डेल्टा सॉरी डेल्टा प्लस है डेल्टा माइनस है, ये यहाँ अटैक करता है कार्बन के ऊपर सी एल बाहर निकाल देता है, तो आपको क्या मिलेगा सी सिक्स एच फाइव ओ सी टू एच फाइव, एक ईथर बनेगा, ठीक है इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये मैंने बताया आपको जब यूनिट करवाया था तब। चलो नेक्स्ट देखो आप लोग फिर क्या है SOCl2, ये क्या हमारा थायोनिल क्लोराइड, और थायोनिल क्लोराइड जो हमारा एक बेस्ट क्लोरीनेटिंग ग्रुप है, मतलब क्लोरीन इजिली देगा, और ये जो हमारा मेथड होता है अल्काइल क्लोराइड बनाने का वो सबसे बेस्ट होता है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, और ये जो ओ एच है उसके जगह पे क्या आ जाएगा सी एल आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोडक्ट, और जब बाय प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा SO2 और HCl, और ये दोनों गैस होते हैं, जब ये दोनों गैस हैं तो ये बाहर निकल जाएगा सिर्फ हमारा मेन प्रोडक्ट बच जाएगा, तो इसीलिए इस मेथड को हम सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं कि कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं रहता, हमें मिक्सर को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट हमारा देख लो, जब भी पेरोक्साइड मिले आपको बताया था जब भी पेरोक्साइड मिले रिएक्शन में तो पहले देखना है कि वहाँ एच बी आर है कि नहीं, अगर एच बी आर है और पेरोक्साइड भी है तो रिएक्शन एंटी मार्कोनी कॉप रूल को फॉलो करेगा, मतलब पॉजिटिव पार्ट, मतलब यहाँ जो हाइड्रोजन है वो वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो आपको प्रोडक्ट यहाँ से क्या मिलेगा देखो यहाँ हाइड्रोजन कम है यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट मिलेगा सी एच थ्री सी एच टू सी एच, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो सी एच टू हो जाएगा और ये सी एच टू और ये बी आर हो जाएगा। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अभी देखो यहाँ पे कोई भी पेरोक्साइड नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको क्या करना है मार्कोनी कॉप रूल फॉलो करना है, मार्कोनी कॉप ये आपका क्या है एंटी मार्कोनी कॉप रूल, तो ये देखो H और Br है मतलब प्लस और माइनस, तो मार्कोनी कॉप रूल में प्लस वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, तो ये हमारा डबल बॉन्ड कार्बन है दोनों, तो हाइड्रोजन यहाँ जाता है तो हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको यहाँ से क्या मिलेगा सी एच थ्री सी एच, ये हो जाएगा टू एंड देन सी, ये इस पर इस कार्बन पर कितने सी एच थ्री है दो कार सी एच थ्री है, देखो ये दो सी एच थ्री है और ये कारक है बी आर, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया इस रिएक्शन का। ओके चलो तो ये आपका फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमने 8 रिएक्शंस किए, तो बहुत सारे नए टर्म्स आपको यहाँ सीखने को मिले होंगे। नेक्स्ट जो हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 15, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दिया गया उसका मैकेनिज्म लिखना है, तो मैकेनिज्म के लिए हम क्या करते हैं पहले एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर लिख लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू
CH2 Br। ओके अब देखो ये आपका क्या है, ETOH कहने का मतलब है इथानॉल, अल्कोहलिक KCN है। तो ये रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ रखा है, सिंपल ही तो है इसका मैकेनिज्म। क्या करना है, इसको बैक साइड से अटैक करवाना है और यहाँ से Cl बाहर निकलेगा। तो जब भी आप मैकेनिज्म लिख रहे होते हो तो इंटरमीडिएट बताना होता है क्या है, या फिर अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो ट्रांजिशन स्टेट बताना होता है। और बताया था कि जब रिएक्शन SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा तो वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है, तो इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ेगा हमें। चलो बना देते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो CH3 CH2 CH2, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं हो रहा था, ऐसे ही लिख दिया हमने। इस कार्बन पे चेंज हो रहा है, इस कार्बन पे क्या चेंज हो रहा है कि अगर हम यहाँ H लिखें, दो H है हमारे पास, ठीक है, दो H है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 CH2, कितने टाइम है, टू टाइम है ना, ये दोनों को लिखना है, इसको बाद में लिखेंगे। तो टू टाइम हो गया CH3 CH2 CH2। और फिर एक ये जो कार्बन है उस पर कितने हाइड्रोजन है, उस पर हाइड्रोजन हो गया आपके H और H, तो तीन बॉन्ड हो गए। एक यहाँ तो ब्रोमीन पहले से था, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से लिखते हैं ना, तो ऐसे हो गया Br और इधर से अटैक कर रहा है CN। तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट, उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, क्या है हमारा ट्रांजिशन स्टेट, और ये होता है बहुत ज़्यादा, चलो तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हमारा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये जल्दी जल्दी क्या चाहता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने क्या कहता है, ये बॉन्ड तो टूट रहा था, टोटली जब यहाँ से क्लीव हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा, देखो Br तो निकल गया, CN आया उसके जगह पे, तो आपको प्रोडक्ट ये मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2, और फिर क्या आ गया, CN आ गया। लेकिन ये कैसे हुआ हमने देख लिया, इसने क्या किया, बैक साइड से अटैक किया, और जब बैक साइड से अटैक करते हैं उसको SN2 रिएक्शन बोलते हैं, SN2 रिएक्शन के थ्रू हो रहा है ये रिएक्शन। ओके अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है, तो ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट हो गया। उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट में क्या करते हैं, मतलब जो आने वाला ग्रुप है उसको भी कार्बन से अटैच दिखाते हैं, और जो जाने वाला ग्रुप है उससे भी बॉन्डेड दिखाते हैं। फिर क्या होता है, प्रोडक्ट में हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाता है, अटैकिंग ग्रुप हमारा ऐड हो जाता है। ओके चलो, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि अरेंज द कंपाउंड ऑफ द ईच सेट इन ऑर्डर टू रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन। अब देखो SN2 रिएक्शन के लिए हमको क्या करना होता है, पहले आप देख लो SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या है कार्बन का, प्राइमरी सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। अब मैंने यहाँ स्ट्रक्चर दोनों का लिख डाला, ठीक है, जो भी पेयर दिए हुए हैं उनके मैंने स्ट्रक्चर लिखे हुए। तो हाँ, ये दोनों पेयर को देखो आप, इन दोनों पेयर में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अच्छा इनको ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब देखो कि प्राइमरी कौन सा है, CH2 Br, और ये ब्रोमीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, बाकी ये आगे जुड़ा हुआ है उससे मैं कोई मतलब नहीं, ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये प्राइमरी है, इस कार्बन को देखो जिस कार्बन पे ब्रोमीन है वो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी है, मतलब ये आपका 1 डिग्री हो गया प्राइमरी, ये 2 डिग्री हो गया सेकेंडरी, और ये देखो ये जो कार्बन है वो टर्शियरी है, तो ये आपका 3 डिग्री। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि बी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एंड देन सी का, एंड देन ए का। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN2। तो जब भी SN2 का रिएक्टिविटी पूछेगा तो पहले आप देखोगे कि टाइप ऑफ कार्बन कैसा है, अगर टाइप ऑफ कार्बन सेम है, एक ही टाइप के सारे कार्बन है, तो आप लिविंग ग्रुप पे देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हमारे लिविंग ग्रुप सारे सेम थे लेकिन कार्बन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, ओके, तो इसीलिए हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, BCA, मतलब बी मतलब क्या, 1-bromo-pentane, एंड देन सी मतलब क्या, 2-bromo-pentane, एंड ए मतलब 2-bromo-2-methyl-butane। आपके बुक में ऐसे दिया ना, ABC तो दिया नहीं, तो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसको ABC करके देन ऑर्डर बताया है, ओके चलो। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो देखो, इसमें भी 3 है तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, एंड एक इधर है हमारा जो इसको सी मान लिया हमने। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि 1-bromo-3-methyl-butane, तो 1-bromo-3-methyl-butane हमारा कौन सा हो गया, 1-bromo-3-methyl-butane, ये हो गया हमारा, ठीक है। देन हमारा है 2-bromo-2-methyl-butane, ये हो गया 2-bromo-2-methyl-butane। आपको अगर नेमिंग में प्रॉब्लम है तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे, इसलिए आप नोमेनक्लेचर पहले अच्छे से समझो, ठीक है। इसका नोमेनक्लेचर मैंने करवाया हुआ है, तो आप जाके देखो चैनल पे अगर कन्फ्यूजन होता है तो। एंड देन थर्ड वन आपका क्या है कि 2-bromo-3-methyl-butane,
तो 2-bromo-3-methyl-butane, ओके। तो हमने स्ट्रक्चर लिख लिए। अब फिर से इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। तो देख लो, ये हमारा प्राइमरी है 1 degree है, और ये आपका टर्शियरी है, और जो ये कंपाउंड है आपका, ये आपका क्या है, सेकेंडरी है। तो ऑर्डर अगर पूछा जाए तो देखो, प्राइमरी कौन सा है हमारा, ए है प्राइमरी, और सी है सेकेंडरी, और बी है टर्शियरी। तो अगर मैं ऑर्डर लिखूँ एस एन टू का, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, ए देन सी एंड देन बी, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन टुवर्ड्स एस एन टू रिएक्शन, ओके। चलो, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में 1-bromo-butane, ये आपका 1-bromo-butane, 1-bromo-2-2-dimethyl-butane, 1-bromo-2-2-dimethyl-butane, ब्यूटेन इप्रोपेन, 1-bromo-2-methyl-butane, 1-bromo-2-methyl-butane, एंड देन 1-bromo-3-methyl-butane, 1-bromo-3-methyl-butane। अब देखो, इनमें से सबसे क्या करना है, पहले आपको प्राइमरी सारे तो प्राइमरी है, सारे जो ब्रोमीन है जहाँ पे, वो सारे कार्बन प्राइमरी है। अब क्या करेंगे ऐसे केस में, ऐसे केस में हम ढूंढते हैं कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे है। देखो, इस केस में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, और इधर सब्स्टिट्यूएंट है। जब सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता है तो वहाँ पे रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है SN2 का, तो इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको ए मान लिया हमने। देन हमारा इसमें देखो, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है वो कार्बन के पास है जिस पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ देखो, तो यहाँ पे जो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पास में है, तो जब अटैक करना चाहेगा पीछे से, तो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। अब इसका तो हो गया, ठीक है, ये सबसे कम हो जाएगा, तो इसको बी मान लो। अब इन दोनों में देखो, यहाँ जिस पे अटैक करेगा, जो न्यूक्लियो फैला के अटैक करेगा, वो सब्स्टिट्यूएंट जस्ट बगल वाले कार्बन पे, और यहाँ उससे थोड़ा दूर में है, तो ये आपको सी मान लो, ये डी मान लो। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो एस एन टू का ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा ए का हो जाएगा, एंड देन किसका हो जाएगा, देन होगा जाएगा आपका डी का, एंड देन सी का, एंड देन आपका बी का, ठीक है। ऑर्डर आपको समझ में आया, मैंने हिंड्रेंस के बेसिस पे किया। सब्स्टिट्यूएंट जितना पास होगा ब्रोमीन वाले कार्बन का, उतना ज़्यादा हिंड्रेंस होगा, मतलब उतना कम हो जाएगा आपका क्या, एस एन टू रिएक्शन। इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, एस एन टू का ए सबसे ज़्यादा, देन डी, एंड देन सी, एंड देन बी, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड टुवर्ड्स एस एन टू रिएक्शन, ओके। तो हमने ये रिएक्शन यहाँ तक कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ओके। चलो।